नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कराची में बस पर आतंकवादी हमला, 47 लोगों की मौत। पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची में बुधवार को पुलिस की वर्दी पहने 8 बंदूकधारियों ने अल्पसंख्यक शिया इस्माइली मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को लेकर जा रही एक यात्री बस पर हमला कर दिया और यात्रियों के सिर में गोली मार दी। हादसे में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए हमलावरों ने पहले डाउ मेडिकल कॉलेज के निकट बस पर गोलीबारी की और उसके बाद गुलिफ्ताए जौहर इलाके के सफोरा चौरंगी में बस रोककर उसमें घुस गए। सरकारी विज्ञापनों पर अब नहीं लगेगी नेताओं की तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी विज्ञापनों को लेकर एक बड़ा फैसला देते हुए इन पर नेताओं की तस्वीर को गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल समेत किसी नेता की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती। इन विज्ञापनों पर केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर लग सकती है। चीनी मीडिया ने नरेंद्र मोदी को कहा चालबाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से पहले चीन के एक सरकारी अखबार ने मोदी पर अपनी घरेलू छवि चमकाने के लिए सीमा विवाद और चीन के खिलाफ सुरक्षा मुद्दों को लेकर चाल चलने के आरोप लगाए हैं। उल्लेखनीय है कि मोदी 14 मई से 16 मई के बीच चीन की यात्रा पर रहेंगे। शंघाई अकादमी ऑफ सोशल साइंसेज में शोधकर्ता हु जियोंग ने अपने लेख में लिखा है कि मोदी ने जब से सत्ता संभाली है उन्होंने जापान, अमेरिका और यूरोपीय देशों से भारत के संबंध बढ़ाने पर दिया है ताकि देश के खराब आधारभूत ढांचे को ठीक किया जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। चीनी मीडिया का कहना है कि हालांकि पिछले साल मोदी की कूटनीतिक पहल ने यह साबित किया है कि मोदी दूरदर्शी नहीं यथार्थवादी हैं। नारायण साईं बलात्कार मामले के गवाह को गोली मारी। प्रवचनकार आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार के मामले के एक अन्य प्रमुख गवाह महेंद्र चावला को बुधवार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। आसाराम और उसके बेटे नारायण के खिलाफ बलात्कार के मामलों में गवाहों पर हमले का यह छठा मामला है। घटना पानीपत जिले के सनौली गाँव की है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।